हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 आपका थोड़ा बड़ा था, आई होप कि आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपलेस्ट था ये, इतना टफ भी नहीं था जितना आप लोग उसके बारे में सोच रहे हो। चैप्टर आपका ओवरऑल ईजी है, और सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन कराए उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई आप लोगों को उस चैप्टर को कॉपी को ऐसा याद करना है, ऐसा अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आपने कॉपी कंप्लीट कर दी तो अदर आपके कोई भी मॉड्यूल, कोई भी DPP, कोई भी बुक करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। तो आप उन सारे लेक्चर को काफ़ी अच्छे से कर लो जिससे आपके एक से एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बता दिया था बच्चों आपको, आपको VBT, ठीक है, हमने क्या खत्म किया था, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर खत्म किया था, फिर मैंने आपको VBT बताया था। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। VBT तो मैंने समझा तो दिया था, अब उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कि क्या होता है VBT में। ठीक है, एक बार आपको जो मैंने चार्ट लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, वो चार्ट को अपने पास सामने रखिए, उसको फोकस करिए और उसको देख के इस लेक्चर को देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग VBT से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, हम उसके एग्जाम्पल को कैसे डील करेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट और वीक फील्ड लिगेंट के बारे में बताया था बेटा, वो अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट और वीक फील्ड लिगेंट आपका हाफ हुआ है, उतना तो याद रखना है, उतना याद रखा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद और भी कंसेप्ट आपके आपके क्रिस्टल फील्ड थियरी में आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल रिलेटेड टू VBT थियरी से रिलेटेड एग्जाम्पल। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सबसे पहले आपका क्या आया, स्ट्रक्चर आया, ज्योमेट्री आई। सबसे पहले आपकी क्या आई, स्ट्रक्चर्स आए या फिर ज्योमेट्री आई, ये बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका क्या आया, ज्योमेट्री आई, ज्योमेट्री के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन आया। मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूँ लेक्चर्स में, इस बात को आप लोग पॉइंट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक एक करके, सारे कंसेप्ट आज आपके क्लियर इसके अंदर भी कर दूंगा मैं आपको, आपको सारे कंसेप्ट का प्रैक्टिस कराते हुए इसको मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है बच्चों, FeCN6 ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अक्सर हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से रिलेटेड काफ़ी कुछ निकाले, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में भी मैंने इसी एग्जाम्पल को लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इसी एग्जाम्पल को लिया है ताकि आप लोगों को सिंपल लगे। ठीक है, फर्स्ट वन आप लोग सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है बच्चों, निकालिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंटिसिटी। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है और इसकी डेंटिसिटी 1, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों आपका 6। और कल जो मैंने आप लोगों को चार्ट बताया था, चार्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही अच्छे बच्चों आप लोगों को 100%, आई होप कि आप लोगों को 100% पता होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों आपकी, ऑक्टाहेड्रल। ये बात आप लोगों को पता ही होगा, इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होगी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, ये बात आप लोगों को निकालना मैंने आपको बता दिया। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिफाइन कैसे किए, अब इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा को हमने थियोरिटिकल डेटा में हम कैसे लाए, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं पानी में टूटेगा तो किस में टूटेगा, 3K+। आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 3K+ FeCN6 3-, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकालते हैं, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, हमको अब वेविबिलिटी अब हमारा स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले आइसोलेटेड स्टेट में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, आइसोलेटेड स्टेट में एफ ई का, ये बात आप देखो। अब आप लोगों को समझना है कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होगा, याद नहीं होंगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो डोंट वरी कीप रिलैक्स, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑक्सीडेट कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिखा देता हूँ। देखो वेनेडियम, सॉरी साइंस टीचर, विनीता कृपलानी, मन फे को मी, ठीक है, क्यों जान जलाती हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। आई होप श्योर कि आप लोग ध्यान रखोगे ऑक्सीडेशन ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब देखो साइंस पर 21, 22, 23, 24 इसको लिखते जाओ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28, ये हो जाएगा 29 और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 30। बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, इतना आप लोगों को अगर आ गया तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो क्रोमियम आपका एक्सेप्शन होता है और आपका कॉपर आपका एक्सेप्शन होता है। अब एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन की खास बात ये होती है इसमें कि आपका एक्सेप्शन की खास बात ये होती है कि एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी में चला जाता है, एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी में चला जाता है। एक्सेप्शन की खास बात क्या होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख लेना फॉर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एस, ठीक है, जंप मार के कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में, समझ में आया। एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ चला जाएगा बच्चों, आपके डी ऑर्बिटल में, ये बहुत ही खास बात है। बस एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, जंप मार के कहाँ चला जाएगा, आपके डी ऑर्बिटल में, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आई होप श्योर कि आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल में समझना, हीलियम के बाद कौन आता है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, वो हीलियम के बाद कौन आता है, यहाँ पर लिथियम, फिर यहाँ पर क्या आएगा, नियोन, ठीक है, ये एंड वाला और ये स्टार्ट वाला, ठीक है। नियोन के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पर ऑर्गन आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका कौन सा स्टार्ट होता है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से आपका कौन सा स्टार्ट होगा, डी ब्लॉक, ठीक है। अब देखो लिथियम का हम कैसे लिखेंगे, Hg और Fe1, तो यहाँ पर पोटेशियम का हम कैसे लिखेंगे, ऑर्गन के साथ लिखेंगे, इससे एक का मतलब ये वाला लिखा जाएगा, कौन सा वाला लिखा जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला, एक बार कोशिश करो, देखो समझना बात को, अगर मैं लिथियम का लिखना चाहूंगा तो लिथियम का क्या हो जाएगा, हीलियम की तरह होगा एक, फिर आ जाएगा 2s1 ऐसा। अगर मैं सोडियम का लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, सोडियम का मैं लिखूंगा नियोन के बाद 2s1, सोडियम का लिखूंगा नियोन के बाद आपका 3s1, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पर साइंस टीचर विनीता कपूर से लेके सारे के सारे आ जाते जिंक तक, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आता है, यहाँ क्रिप्टोन आता है, ठीक है। तो अब समझना, वो ऑर्गन हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे, टाइटेनियम के लिए भी यूज़ करेंगे, सबके लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑर्गन की तरह रहेंगे पीछे वाले किसकी तरह रहेंगे बच्चों, ऑर्गन की तरह, ये बात ध्यान रखो, सारे के सारे ऑर्गन की तरह रहेंगे। इसमें होगा केवल और केवल कौन से सीरीज में बच्चों, 3D सीरीज में। अभी मैंने आपको इतना बताया, जैसे ही मैं डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करूंगा तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग याद रखिए, कोशिश करिए, आई होप श्योर कि आप लोगों पे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग करेंगे बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑर्गन ये भी आपका हो गया आर्गन, ये भी आपका हो गया आर्गन, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर आपका आर्गन हो गया। अब ऑर्गन के लिए आपको समझना है कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप समझना, ये आगे वाला नंबर एस के लिए होता है,
और बाहर वाला नंबर डी के लिए होता है, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, 3D1, 3D सीरीज का है तो 3D1, 4S2, यहां पर 3D2, अंदर वाला नंबर डी के लिए, बाहर वाला नंबर एस के लिए, यहां पर 3D3 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 4S2। यहां पर क्या आएगा, देखो ये जनरली आप क्या लिखोगे बच्चों, यहां पर 3D अंदर वाला 4 के लिए, मतलब अंदर वाला मतलब 1 2 3 4 5, और 2 आपका एस के लिए, तो यहां पर 4S2 लिख दिया, ठीक है, ये लिखा। लेकिन ये क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होगा, एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी में चला जाएगा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी में गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3D5 4S1। अब यहां पर एक्सेप्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 3D5 4S2। यहां पर भी एक्सेप्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 3D6 4S2। यहां पर क्या हो जाएगा, 3D7 4S2। यहां पर क्या हो जाएगा, 3D8 4S2, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3D9 4S2। बट ये क्या है, ये भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी में चला जाएगा, ये लाइन ध्यान रखो। अब जिंक में क्या होगा, 3D10 4S2। ये तो कुछ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगे, ये याद रखो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आप लोगों को अभी ध्यान रहेगा, इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी साइड में बना के रखता हूँ ताकि आप लोगों को इससे समझने को मिले, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग कोशिश करोगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर Fe का आइसोलेटेड स्टेट, मतलब अकेला जब Fe होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप इसमें देखो Fe का है, आई होप श्योर कि आप लोगों को दिख गया होगा, Fe यहाँ है, तो Fe का आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, ऑर्गन 3D6 4S2, ठीक है। अब हमको समझना है कि यहाँ पर, अब देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या यहां पर Fe 0 होगा, क्या यहां पर जो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है उसका मतलब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया है, उसका मतलब उसमें से किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया है। लेकिन यहां पर Fe क्या होगा, इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, निकालो X+, ध्यान से निकाले, ध्यान से धीरे धीरे, X+6 CN का ऊपर -1 = -3, देन X = +3, तो मतलब X पे यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। अब जब हमने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, ऑर्गन 3D5 4S0 आ गया। यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 1 निकाला, ऐसे ही निकालना है, हमेशा S से पहले निकालना है फिर D से, पहले किससे निकालना है, S से, उसके बाद हम D से निकालेंगे। अरे आप लोग जानते हो 3 अंदर रहेगा कि 4 बाहर रहेगा, या फिर 4 अंदर रहेगा कि 3 बाहर रहेगा, आप लोग जानते हो, क्वांटम नंबर में जानते हो आप लोग ऑर्डर, ऐसे जानते हो, ये n=1 होता है तो ये n=2 होता है, ये n=3 होगा तो ये आपका क्या होगा, n=4 होगा। अब बताओ 4 बाहर होगा कि 3 अंदर होगा, सॉरी 4 बाहर होगा कि 3 बाहर होगा, आप लोगों को सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर आपका कौन बाहर है, 4, तो हमेशा बाहर वाले से निकालेंगे ना, हमेशा हम लोग कहाँ से निकालते हैं, बाहर वाले से निकालते हैं, बात क्लियर है, सिंपल, बाहर वाले से हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब देखो 4s से मैंने पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, प्लस 3 का मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि हमको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 2 का निकाला 1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यहां से 1 निकाल लिया। आप बताओ यहां पर ऑर्बिटल बनाते हैं, अब देखो 3D5, 1 2 3 4 5, ये आपका डी हो गया, और इसका 4p भी खाली होगा, इसका आपका कौन सा खाली होगा, 4p भी खाली होगा, 4p भी खाली होगा और 4d भी इसका खाली होगा, ऐसे बना लेने का है हमेशा 4d0। अब बनाओ डी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल बनाते हैं बच्चों, 1 2 3 4, और यहाँ पर पी ऑर्बिटल बनाते हैं, सॉरी यहाँ पर एस ऑर्बिटल बनाते हैं, और यहाँ पर पी ऑर्बिटल बनाते हैं, और यहाँ पर डी ऑर्बिटल आगे के डी ऑर्बिटल। अब इसको समझ लेंगे आप लोग, इतना काफ़ी है। अब देखो यहाँ पर समझना,
अब यहाँ पर ये वाला आपका कौन सा ऑर्बिटल है पहले? 3D वाला। ये वाला आपका कौन सा है? 4s वाला। ये वाला आपका 4p वाला। ये वाला आपका 4d वाला। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने बनाया 5 इलेक्ट्रॉन। आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या देखना है? CN, CN किस टाइप का लिगेंट है? CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। CN आपका किस टाइप का लिगेंट है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट आपका क्या करेगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेगा। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना। अगर आपने VBD की थ्योरी पढ़ी तो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट ऑलवेज क्या करेगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। देखो अब यहां पर ये अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है। अब अगर मैं पेयरिंग करना चाहूंगा तो किस किस की होगी पेयरिंग? ये यहां चला जाएगा, ये आपका यहां चला जाएगा। तो यहाँ पर दो की ही पेयरिंग पॉसिबल है। एक तो हमेशा अकेला रहेगा ना, तो ये हमेशा आपका अकेला रह जाएगा। ये हमेशा आपका कैसा रह जाएगा बच्चों? अकेला रह जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा दिया। ठीक है, अब देखो जितनी की रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही बना देता हूँ। ये पेयरिंग कराया तो एक दो एक दो, ठीक है, यहाँ पर एक। अब देखो यहाँ पर कितने डी ऑर्बिटल खाली हो गए? 2D। यहाँ पर एस खाली हो गए, यहाँ पर तीनों पी आपके खाली हो गए। अब मैंने आपको क्या बोलाया था कि जितने नंबर ऑफ, जितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके वैकेंट होने चाहिए। मतलब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका खाली होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6 है, तो 6 ऑर्बिटल मुझको खाली मिल गए। 6 ऑर्बिटल मुझको खाली मिल गए। अब जैसे ही मुझको ये 6 ऑर्बिटल खाली मिले तो ये 6 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? यहां पर आपस में ये 6 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके, आपस में इंटरमिक्स होके कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 6। आपस में इंटरमिक्स होके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। अब देखो डीजनरेसी, डीजनरेसी वर्ड का मतलब है कि इनकी एनर्जी सेम होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए और सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? देखो अंदर वाला डी काम में आया कि बाहर वाला डी? अंदर वाला डी काम में आया, अंदर है ना डी। डी जब आपका अंदर है तो अंदर वाला डी काम में आया, तो इसको क्या बोलेंगे? D2। 2D काम में आए और एक sp3। अब देखो वैसे यहां पर इंटरमिक्सिंग हुई, इस फिनोमिना में क्या हुआ बच्चों? इंटरमिक्सिंग हुआ। क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग हुआ। अब देखो इंटरमिक्सिंग हुआ, अब देखो इंटरमिक्सिंग होके आपका कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए? नॉर्मल कितने ऑर्बिटल थे? 1 2 3 4 5 6। ये सारे इंटरमिक्स होके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बना दिए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बना दिए। अब ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अब आपके कौन आएंगे बच्चों? लिगेंड आएंगे। कौन आएंगे? लिगेंड आएंगे। और लिगेंड पूरे के पूरे लोन पेयर आपके देंगे। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड ने आपके पूरे के पूरे लोन पेयर दिए। पूरे के पूरे क्या दिए बच्चों? लोन पेयर दिए। मतलब 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पूरे के पूरे भर गए, 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पूरे के पूरे यहाँ पर भर जाएंगे। ठीक है, 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पूरे के पूरे भर गए। अब इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो गया बच्चों D2sp3। और इसका शेप क्या है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे बच्चों, समझना। ऑक्टाहेड्रल हम इसका बनाएंगे कि इसका बनाएंगे? इसका बनाएंगे ना, तो इसका बनाओ। देखो सेंट्रल मेटल आयन बीच में ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होता है हमेशा, अभी मैंने रिविजन क्लास में ही बताया था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? CN और CN के ऊपर और इन सारे के ऊपर नेट चार्ज कितना है? -3। और बाहर कौन आके जुड़ जाएगा? K+। कितने K+? 3K+। तो इस तरीके से आपका इसका स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आई? लेकिन सर अभी हमको पूरी बात समझ में नहीं आई, यहाँ पर क्या प्रेजेंस है? यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ there is one unpaired electron present in structure, present in
हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक मोमेंट को बोलेंगे म्यू, म्यू एन इंटू एन प्लस टू, हियर एन इज अ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हियर एन इज अ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एन क्या है, एन इज अ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नंबर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर है। अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा, एक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वन प्लस टू कितना हो गया, रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू 1.73 bm। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट भी मैंने निकाल लिया। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू, ठीक है, बोर मैग्नेटोन, इसका यूनिट और डायमेंशन भी ध्यान रखना, बी एम का मतलब है बोर मैग्नेटोन, बी एम का मतलब क्या है बच्चों, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट किस तरीके से किया, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब आपको खुद से विजुअलाइज करना है, कोशिश करना कि सर क्या वही स्टेप बता रहे, मैं सिमिलर स्टेप बताऊंगा जानबूझ के, क्योंकि आप लोगों से मुझे रटवाना है, मतलब इस चीज़ को समझाना है और आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए। तो सिमिलर स्टेप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, सर ने जो जो बोला वो फिर से होगा कि नहीं होगा उसमें देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, हर एग्जांपल पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन तरीका मेरा वही रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, ज्योमेट्री चेंज हो सकती है लेकिन तरीका मेरा वही रहेगा, तो इसलिए आप लोग घबराए ना, घबराना नहीं है, आप लोगों को समझना है, कोशिश करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप समझना है सबसे पहले कि किस तरीके से मैं निकालता हूँ, मेरा निकालने का तरीका क्या है, और आप लोगों को उस तरीके को एक बार खुद से भी फॉलो करना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने रहने दिया फॉर यू, तो आप लोगों के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने दिया, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे। तो देखो सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, सेकंड एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर FeCO5, ठीक है, FeCO5, तो देख लेते हैं FeCO5 इसका बारे में बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है निकालना पड़ेगा आप लोगों को, निकालना तो पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देन यू कैन आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, 5 इंटू एक लिगेंड देगा यूनिडेंटेड, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5। आई होप श्योर कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मैंने कैसे निकाला। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है वहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा, आई होप श्योर कि आपको आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए आपका स्ट्रक्चर होगा क्या, देखिए थोड़ा ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए पेज को पलट के, मैंने CN5 लिखवाया था, उसके लिए होगा ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी बच्चों, ज्योमेट्री मैं पहले ही बता देता हूँ, ज्योमेट्री यहाँ पर हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल। ये बात अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल मतलब टीबीपी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम को नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हमको क्या लिखना होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना पड़ेगा, मेटल आयन कौन है, एफ ई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आइसोलेटेड स्टेट का मतलब Fe0 वाला, ठीक है, लिखो क्या है Fe0 का, यही होगा, तो लिख देते मैं यहाँ पर मैं आप लोगों का लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्या हो जाएगा ऑर्गन, बोलो जल्दी से ऑर्गन, यहाँ पर हो जाएगा 3D6 4S2। आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखा मैंने, ये काफ़ी सिंपल था। नाउ लेट्स स्टार्ट द, अब हमको स्टार्ट करना है क्या,
अब हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों? एक्स 5 है, सी ओ पे चार्ज 0 है और नेट चार्ज इक्वल टू, देन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0। तो मतलब यही आइसोलेटेड स्टेट वाला ही चलेगा, मतलब एक्स मतलब एफ ई के ऊपर चार्ज 0 है, मतलब ना तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है ना तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देना है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर डी बना लेते हैं। डी ऑर्बिटल मैंने बनाया 1 2 3 4, हाँ ये मैंने डी ऑर्बिटल बना लिया। ये मेरा एक एस ऑर्बिटल, ये मेरा 3 p ऑर्बिटल बना लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने 3 p ऑर्बिटल बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 d ऑर्बिटल भी बना लिया, ताकि काम आए या ना आए आप बनाते जाओ, काम आए या ना आए आप बना लिया करो पहले 4 p और 4 d, ठीक है। ये एक्चुअली आपका 3 d ऑर्बिटल है, ये आपका 4s है, ये आपका 4 p है, ये आपका 4 d है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो 3d6 कौन सा है? 6 वाला, देख लेते इलेक्ट्रॉन को भरते 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर s में 2 है, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। p भी आपका 0 है, d भी आपका 0 होगा, ठीक है। आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया। देन समझो यहाँ पर CO क्या है। CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कल ही लिखा है, कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? पेयर कर देगा। जो अकेला होगा उसको डबल कर देगा, जो अकेला होगा उसको डबल कर देगा, ठीक है। मतलब जो जो अकेला होगा उसको कपल बना देगा। अब देखो क्या होगा, कैसे करेंगे बेटा। ये वाला आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अभी 2 है ना, तो ये वाला यहाँ जाएगा और एक ये वाला यहाँ जाएगा। तो देखो अब कैसे हो जाएगा, फाइनली रीच करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको मैं इधर से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ना ना, यहाँ स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बना दूंगा, ठीक है, यहाँ से समझ लो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से समझ लो। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अब देखो ये मेरा फुलफिल हो गया और एक और है यहाँ पर 8। देखो सारे पेयर हो गए, ये इसके साथ, इसका एक इसके साथ, इसका एक इसके साथ, सारे पेयरिंग हो गए। अब हमें जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने क्या चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। देखो एक आपका 3d का है, एक आपका 3d का है, एक आपका 4s का है, एक आपका 4p का है, समझ में आ गया। ये उतने ही 3d मेरे काम में आ गए, ठीक है, उतने और ऑर्बिटल मुझे मिल गए, मुझे 4d के ऑर्बिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये सारे ऑर्बिटल आपके इंटरमिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्सड हो जाएंगे, इंटरमिक्स होके 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या फॉर्म करते बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या फॉर्म करते बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। तो देखो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और कौन से वाले बनाएंगे? डी एक एस है और 3 p है, डी एस पी 3 ऑर्बिटल। और डी एस पी 3 को हम क्या बोलेंगे? अंदर वाला डी काम में आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर जितने CO होंगे, CO अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। CO अपना क्या डोनेट करेगा बच्चों? यहाँ पर लोन पेयर। तो CO ने यहाँ पर अपना लोन पेयर डोनेट किया, पांचों के पांचों CO ने। अब ये पूरी तरीके से भर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बच्चों? DSP3। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आया यहाँ पर? DSP3। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसका ज्योमेट्री बनाना चाहता हूँ। देखो सेंट्रल में मेटल को बीच में लो, Fe को,
सीओ पेंटागोनल बाई ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, तो ये आ गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। आई होप श्योर कि आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, टोटल नेट चार्ज जीरो है, तो ये भी जीरो वाला होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर। अब बताओ मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा बच्चों, इसका मैग्नेटिक नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। तो यहाँ पर नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, किसी भी टाइप का अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सारे के सारे क्या है बच्चों, पेयर्ड है। अब सारे के सारे पेयर्ड है तो इसलिए ये आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अब दीदी ध्यान रखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेयरिंग है ना, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, एक दो दूसरे के स्पिन को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल आउट कर देगा। तो इस यहाँ पर क्या बनेगा, लो स्पिन टाइप का कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और मैंने आपको बताया था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका किससे बनता है, जनरली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लास्ट वाले में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन सबसे ज़्यादा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये है। अगर सारे के सारे पेयर होंगे तो वो तो लो स्पिन होगा, जितना ज़्यादा अनपेयर होगा उसमें स्पिन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर तो अनपेयर जीरो है, और इससे जो पहले वाला एग्जाम्पल था वहाँ पर एक अनपेयर था, मतलब वहाँ पर स्पिन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं, आप अगर एक और क्वेश्चन को मेरे समझ के इसी तरीके से करोगे तो आपको पांच या छह क्वेश्चन कराऊंगा। और छह क्वेश्चन अगर आपने करे समझ के करते गए तो आप लोगों को आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तरीका समझो बस, आप लोगों को नहीं आएगा वो हो ही नहीं सकता, आप लोगों को आएगा। आप लोग अच्छे बच्चे हो, कोई भी चीज़ के लिए घबराने का नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल CrNH3CCl3, अगला एग्जांपल CrNH3 6 और यहाँ पर Cl3। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका क्वेश्चन लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को और भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं, CrNH3 6। ठीक है, और यहाँ पर 3+ आ जाएगा और यहाँ पर 3Cl-। ठीक है, आई होप श्योर कि अब आपको आ गया। अब सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर 6 × 1 कितना आ गया, 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री डिफाइन हो गई, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, ज्योमेट्री होगी बच्चों यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है, खत्म, यहाँ तक खत्म। अब हम हाइब्रिडाइजेशन, मुझे पता लगाना है हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब देखो मेटल आयन कौन है बच्चों यहाँ पर, ये है, तो देख लेते हैं मेटल आयन कौन है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR इन आइसोलेटेड स्टेट मतलब अकेले आइसोलेटेड स्टेट में, बताओ क्या होगा आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CR का आइसोलेटेड स्टेट में। देखो मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रखा है आप लोगों को, लिख लेते क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, ऑर्गन 3D5 4S1 लिख लिया। अब यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। एक्स माना CR को 6, वो NH3 पे चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +3। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस थ्री लिखता हूँ ताकि आपको +3, मतलब इसका मतलब क्या है, मुझे ये ना Cr+3 का आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। निकाल दो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3D3 4S0। अब इसका बनाते हैं, देखो 4S0 के बाद 4P0
और 4D0, ठीक है। एक एक करके समझते जाएंगे किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। तरीका समझिए आप लोग, आप लोग तरीका समझिए। आप देखो D बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने P बना दिया, ये 4D बना दिया, ठीक है। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं बनाता हूँ हर एग्जांपल में, आप भी बना लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है डी में आपके, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ मैं, 1, 2, 3, ठीक है। अब मुझे वैकेंट कितने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर मुझे वैकेंट मिल गए, यहाँ पर मुझे वैकेंट पहले से ही मिल गए। ये आपका 3D वाला था, ये आपका 4S वाला था, ये आपका 4P वाला था, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये मुझे वैकेंट मिल गए। आपने ये नहीं बोला कि सर यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3 आपका वैसे वीक फील्ड लिगेंट है, कौन सा लिगेंट है, वीक फील्ड लिगेंट, ये बात आप लोग जानते हो, वीक फील्ड लिगेंट है। कैसे वीक फील्ड लिगेंट बता सकते हो आप लोग, क्योंकि NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा, ये आपका कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा। अब बट इन प्रेजेंस ऑफ CO+3 एंड Cu+2, ये मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को, तो CO+3 और Cu+2 के प्रेजेंस में होगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, Cr+3 है ना, यहाँ पर कौन प्रेजेंस है आपका, Cr+3, तो Cr+3 के प्रेजेंस में ये आपका कौन सा होगा, वीक ही होगा, तो जनरली आपका वीक फील्ड लिगेंट होगा, तो अनपेयर पेयरिंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी होता तो भी पेयरिंग नहीं करता, स्ट्रॉन्ग भी होता तो भी पेयरिंग नहीं करता, क्योंकि इसको मिल गया है ना, इसको इसको वैकेंट और ऑर्बिटल मिल गया। पेयरिंग क्यों होता है कि हमको वैकेंसी क्रिएट करनी होती है। लास्ट एग्जांपल देखिए और लास्ट से लास्ट एग्जांपल देखिए, मैंने जो कराया है ना उसमें देखिए पेयरिंग हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उसमें डी के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, तो डी को खाली करने के लिए हम पेयरिंग करा रहे थे, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हम डी को खाली कराने के लिए हम पेयरिंग करा रहे थे। अगर डी आपका पहले से खाली है तो यहाँ पर नो नीड ऑफ पेयरिंग, यहाँ पर पेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है, चाहे ये स्ट्रॉन्ग भी हो या वीक भी हो। लेकिन अभी आप जान लो वीक फील्ड लिगेंट है, ऐसा एक और एग्जांपल मैं लूंगा आपका ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो देख लेते आगे, अभी फिलहाल हम आगे का देखते, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या वीक फील्ड लिगेंट है तो पेयरिंग की जरूरत नहीं है, और पेयरिंग की जरूरत कब नहीं होती है वो नोट डाल के मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। अब देखो यहां पर 3D के दो ऑर्बिटल खाली है, ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स्ड होंगे। तो कितने ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल खाली है, 6 ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। पहली लाइन VBT की जो मैंने आपको लिखवाई है, पहली लाइन मैंने लिखवाई है कि आपका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल खाली होने चाहिए। तो देखो यहां पर 6 वैकेंट ऑर्बिटल और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 ऑर्बिटल आपके होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 6 ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, देखो 6 खाली है। अब 6 कौन कौन से हैं, ये नॉर्मल और ऑर्बिटल है, ये इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और कौन से बनाएंगे, एक अंदर वाले 2D आएंगे, फिर S आ जाएगा, फिर P3 आ जाएंगे, 3 P लेंगे, एक ये, ठीक है। अब समझो, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो D है वो कौन सा वाला है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 3D वाला। कौन सा वाला बोलोगे, इसमें जो D है वो कौन सा वाला बोलोगे बच्चों, 3D वाला। आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जो D है वो कौन सा वाला है बच्चों, आपका 3D वाला। इसमें जो D है वो आपका कौन सा है, एक और बार ध्यान रखो, 3D वाला। तो यहाँ पर 3D वाला D है। अब हम इसका दिखाते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 के 6 अमोनिया आपका यहाँ पर लिगेंड देगा, लोन पेयर देगा, दिया इसने लोन पेयर, 6 के 6 ने दिया, ये 6 अमोनिया, ये अमोनिया, ये आपका अमोनिया, ये आपका अमोनिया, तो 6 के 6 ने दिया, अब लोन पेयर दिया। अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया बच्चों हमारा, D2SP3, तो और ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो बना के देखते हैं, यहाँ पर CR सेंट्रल मेटल आयन बीच में, और ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या करेगा बेटा,
सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये सारे के सारे बॉन्ड भी क्या होंगे, सिग्मा। पहले वाले एग्जांपल में भी सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3, 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3। अब एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, प्लस थ्री, और यहाँ पर Cl- C, यहाँ पर तीन Cl- जुड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट, अब यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन खाली है कि नहीं है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ पर आपका कौन सा खाली है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो थ्री अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन, थ्री अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन मीन्स मीन्स ये क्या होगा बच्चों, आपका डायमैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक नहीं है, एक्चुअली होगा आपका पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक होगा तो पैरामैग्नेटिक में आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन, एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन, ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट हियर, यू कैन सी दैट थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर हियर, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर थ्री, थ्री प्लस टू, यहाँ पर बोर मैग्नेटोन, यहाँ पर हो जाएगा फाइव, फाइव फाइव प्लस थ्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन, अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन, और थ्री के तो ये आपका अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन क्या आ जाएगा, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 15 क्या आ जाएगा बच्चों, आपका बोर मैग्नेटोन, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.9 बोर मैग्नेटोन, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको निकालना है, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। आप लोग एक दो बार कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पक्का डैम श्योर कि आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। ये तो था तीसरा एग्जाम्पल, सिमिलरली एग्जाम्पल चल रहे हैं बेटा, कोई नया चेंजेस नहीं है, आप लोग एक बार कोशिश करो, ठीक है। नहीं आए तो मुझे 50 बार बोलो, परेशान करो, तंग करो, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बच्चों आपका NIDMG, नेक्स्ट एग्जाम्पल निकल DMG ट्वाइस, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, क्या नाम है, क्या काम है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, दो लिगेंड है और ये क्या है बेटा, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड है मतलब दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, चार। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपका चार होगा तो इसका मतलब, इसका मतलब आपका क्या होगा, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका चार है तो चार का मतलब आपका ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, समझते हैं, चार का मतलब ये इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, मैंने आपको लिखा रखी है, आप लोग चार्ट में देखिए, इसकी ज्योमेट्री होगी बच्चों या तो आपका स्क्वायर प्लैनर होगा, या तो आपका स्क्वायर प्लैनर होगा, या तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल होगा। अब टेट्राहाइड्रल का मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका sp3 होगा या तो ये आपका dsp2 होगा, ठीक है, दोनों मैंने बना दिया। अब समझो आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लैनर, sp3 होगा तो टेट्राहाइड्रल, चलो ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या था, समझते हैं, नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट ऑफ किसका, निकल है ना मेटल, तो निकल का, तो निकल का देखो कहाँ है, क्या है बच्चों, यहाँ पर आर्गन 3D8 4S2, ये है आपका आर्गन 3D8 4S2। अब यहाँ पर क्या ऑर्गन 3D8 4S2 है कि नहीं है, यहाँ पर पता लगाएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकालो, ये आपका हो गया X, दो DMG के ऊपर -1, ये 0, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर +2, X इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका +2। आई होप श्योर कि आपको अब समझ में आ गया होगा पक्का, आई एम डिडेम श्योर, ठीक है। तो ये हो गया +2, तो यहाँ पर निकल आपका कौन से स्टेट में बच्चों, +2 वाले स्टेट में। अब बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या होगा, अब जल्दी से यहाँ पर आपका क्या होगा पता लगा लेते हैं बच्चों। तो निकल यहाँ पर आपके, हाँ 28C, ठीक है, निकल यहाँ पर +2 वाले स्टेट में, तो +2 वाले स्टेट में कैसे होगा बच्चों, समझते हैं। देखो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना,
प्लस टू में दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मतलब बचेगा क्या, ऑर्गन 3d8। अब इसका ऑर्बिटल बना लेते हैं, डी का मैंने ऑर्बिटल बना लिया, कितने, 1 2 3 4 5 6 8। यहाँ पर 4s के अंदर 0 होगा और 4p के अंदर भी 0 होगा, ठीक है। 4s के अंदर 0 होगा और 4p के अंदर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना लिया, मुझे अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं 4db बनाऊंगा, ठीक है ना, 4db बनाऊंगा रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3d8, 4s 0, 4p 0, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए, पक्का श्योर 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर भर लिए। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से पॉइंट को अच्छे से, कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब डीएमजी कैसा है, डीएमजी इज अ बाइडेंटेड लिगेंट, बाइडेंटेड लिगेंट, और बाइडेंटेड लिगेंट क्या करता है बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये आपका चिलेट रिंग बनाता है, और चिलेट रिंग बनाने की वजह से ये क्या होगा बच्चों, आपका ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट शो करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट क्या करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट आपका क्या करता है बच्चों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। अब ये क्या है, यहाँ पर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो अब इसको क्या कर जाएगा बच्चों, ये आपका पेयर कर देगा, पेयरिंग कर देगा। तो अब फाइनली आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में क्या हुआ, देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के प्रेजेंस में आपका क्या हुआ, पेयरिंग हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के बाद क्या हुआ, देखो पेयरिंग हुआ, पेयरिंग होकर क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना है, 4, तो मुझे कितने कितने चाहिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 4 है तो मुझे कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए बच्चों, 4 चाहिए। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर अब क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। अब इंटरमिक्सिंग किसका होगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये वाले 3d 4 वैकेंट ऑर्बिटल मेरे पास है ना, 4pp। अब देखो मुझे अगर मुझे स्क्वायर प्लैनेट चाहिए तो 1d वैकेंट चाहिए, 1s वैकेंट चाहिए, 2p वैकेंट चाहिए। अगर मेरे पास टेट्राहेड्रल है तो 1s वैकेंट चाहिए, 3p वैकेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो अंदर वाला डी ज़्यादातर काम में आते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर क्या वैकेंट है मेरा, 1d, 1s और 2p। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे के सारे कौन से होंगे, डीएसपी टू। यहाँ मैंने DSP2 लिखा है, सब जगह ऐसा ही होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम शेप एंड सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, जितने भी आपके डीएमजी है वो आपके लोन पेयर देंगे। अब ध्यान रखो, एक डीएमजी आपका दो लोन पेयर देगा, तो एक डीएमजी आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर पहुंचाएंगे, ये डीएमजी का काम है। यहां पर एक डीएमजी आपके दो के अंदर लोन पेयर पहुंचाएगा, पहुंचा दिया। अब चलो ये ठीक है, आपको पता पड़ गया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डीएसपी टू होने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लैनर। अब चलो ज्योमेट्री बनाते हैं। ज्योमेट्री अब आपको समझ में आ जाएगी, ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, ज्योमेट्री आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये निकल मैंने बीच में बनाया, अब देखो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ऐसा ही होगा। अब डीएमजी आपके दो लोन पेयर देगा, तो ये एक डीएमजी, ये भी एक लोन पेयर देगा, ये एक डीएमजी, यहाँ पर ये भी आपका एक लोन पेयर देगा, तो यहाँ पर डीएमजी, यहाँ पर भी आपका देगा, तो ये भी डीएमजी, तो ये आ गया आपका स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, चार्ज आपका 0, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो देख लेते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा बच्चों, समझेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो दिस इज अ व्हाट, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, 0 है। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका डायामैग्नेटिक, क्या होगा बच्चों, ये आपका डायामैग्नेटिक इन कैरेक्टर, इन नेचर बोलो या कैरेक्टर बोलो, ठीक है। आई होप श्योर कि आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअली DSP2 देख के आपको कुछ पता पड़ रहा है, DSP2 देख के मुझे कुछ तो पता पड़ रहा है, आप लोगों को क्या पता पड़ रहा है, देखो DSP2 देख के आपको इस चीज़ का पता पड़ रहा है, दिस इज अ इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज अ इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, काफ़ी ईजी था, काफ़ी सिंपल था, अब आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इससे रिलेटेड, एक और एग्जांपल, निकल CO5। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बाद में यही सब बातें आपको बहुत इजीली जाने वाली है, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। निकल CO5 नहीं, सॉरी निकल CO4। तो देखो अगला एग्जांपल, निकल CO4। अब देखो निकल CO4 क्या होगा बच्चों, समझते हैं सबसे पहले, यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कितने लिगेंड है बच्चों, चार लिगेंड है और एक लिगेंड ने एक लोन पेयर दिया, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, चार हो गया। ठीक है, आई होप श्योर कि आपको आप समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चों इसका, चार हुआ। कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों इसका, चार हुआ। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए ज्योमेट्री आपकी कौन कौन सी बनेगी, ये मैंने आपको डिफाइन की हुई थी, ज्योमेट्री आपकी कौन कौन सी बनेगी बच्चों जल्दी बोलो, ज्योमेट्री आपकी बनेगी, एक तो आपके स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, एक आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा और एक आपका कौन सा बनेगा, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या जरूरत है बच्चों हमारे, DSP2 और स्क्वायर टेट्राहाइड्रल के लिए SP3। समझ में आया, ये दोनों पॉइंट जरूरी है। चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब सबसे दूसरा काम क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आइसोलेटेड स्टेट। तो निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आइसोलेटेड स्टेट ऑफ निकल। निकल के आइसोलेटेड स्टेट में तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो क्या है आइसोलेटेड स्टेट, ये वाला, तो बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आर्गन आ जाएगा, 3D8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4S2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, फिर हमको क्या निकालना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Ni का X, CO का 4, एक CO के ऊपर चार्ज 0, ये मैंने आपको लिखवाया है सारा, ये मैंने सारा डाटा आप लोगों को लिखवाया है। CO के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों यहाँ पर, 0। CO के ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चों यहाँ पर आपका, 0। इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 0। तो X इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, 0। तो Ni के ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पर Ni कौन सा वाला है, 0 वाला। 0 वाला Ni का मतलब इसमें से मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉन को ना तो बाहर निकालना है ना अंदर लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D8 4S2। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, जल्दी बताओ, अब समझना है। अब यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर 1s, यहाँ पर P, ये हो जाएगा हमारा 4P0। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये क्या हो गया हमारा, 3D8 4S2 4P0। ठीक है, ये मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया। अब जब मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया आप लोगों का, तो अब क्या करेंगे बच्चों, बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, एस में भी 2 है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं, CO आपका किस टाइप का लिगेंट है, CO इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट में लिखवाया था CO को मैंने, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का कार्बन डोनर, ये एक तरीके का क्या है बच्चों, कार्बन डोनर, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा बच्चों, पेयर करा देगा। अब देखो करवा दिया पेयर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट का काम हुआ, मतलब SFL का काम हुआ, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया उसने। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को आप लोगों का यहाँ पर पेयर करवाया, और यहाँ पर डी काम पड़ेगा तो लेंगे, 3D 4S, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
अब यहाँ पर 4s0 4p0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया। अब आपसे पूछा है यहाँ पर डी में 10 है इसलिए मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, ठीक है, और मुझे उतने ही वैकेंट और ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो एक एस का मिल गया, 3p का मिल गया, मुझे उतने ही चाहिए, या तो एक डी का मिल जाए या तो, लेकिन अगर डी का नहीं है तो यहाँ पर एक एस और 3p मिलना चाहिए, तो 3p मिलेंगे। देखो ये वाले ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और कितने 4 ऑर्बिटल है तो हाइब्रिड करके भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। सब कौन से होंगे, sp3 ये भी कौन सा होगा, sp3 ये भी कौन सा होगा, sp3 ये भी कौन सा होगा, sp3। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चारों CO आपके लोन पेयर को डोनेट करेंगे। करने दो, यहां पर CO डोनेट करेगा, यहां पर भी आपका CO डोनेट करेगा, यहां पर भी आपका CO डोनेट करेगा, यहां पर भी आपका CO डोनेट करेगा, ठीक है। ये आपका यहां पर इंटरमिक्सिंग फिनोमिना हुआ, कौन सा हुआ, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखो अब हम स्ट्रक्चर बारे में बनाते हैं। अब आपको पता पड़ गया ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बच्चे, यहां पर sp3। तो यहां पर अब हम ज्योमेट्री बना लेते हैं, ज्योमेट्री बना लो। ज्योमेट्री कैसे होगी बच्चों, यहां पर टेट्राहेड्रल होगी, तो निकल को बीच में लिखो। टेट्राहेड्रल कैसा बनता है, एक CO इधर, एक CO इधर, एक CO इधर और एक CO इधर, और चार्ज कितना है बच्चों इस पे, 0, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा बनेगा कुछ और एक ऊपर जाएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ध्यान रखो ये स्ट्रक्चर। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सारे के सारे पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि देर आर नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई इट इज़ अ डायमैग्नेटिक, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर किसी भी टाइप का डी और ऑर्बिटल नहीं है, तो इसको ना तो हम इसको बोलेंगे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ना इसको बोलेंगे आउटर डी और ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप श्योर कि आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोगों को करना भी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारा CO(En)2Cl2Cl, ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंट है, दो लिगेंट है, बाइडेंटेड है तो दो, यहाँ पर दो है और ये यूनिडेंटेड है तो प्लस, कितना हो गया बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो गया, ठीक है। 6 के लिए आपका क्या बनेगा बेटा, ज्योमेट्री फिक्स है, ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में कौन सा वाला होगा ये आपका फिक्स नहीं है, या तो d2sp3 भी हो सकता है, या तो आपका dsp3 भी हो, sp3d2 भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है, चलो ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO इन आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO का निकाल लो। CO कहाँ है बच्चों, यहाँ है, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी बोलो, यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्गन 3d7 4s2, ये हो गया। अब पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, निकालो, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो इस पर -1 इस पर +1, अब देखो क्या हो जाएगा, x+2en पे चार्ज 0 और Cl पे चार्ज -1 और इस पर +1, टोटल x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर CO कौन सा वाला है, +3 वाला है, मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे मुझे, 3 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से निकालने पड़ेंगे, 2 यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d6 4s0। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 3 4, अब इसका भी बना लेते हैं 4s0, इसका भी बना लेते हैं बच्चों हम
4p ठीक है, बना लिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 6 भर दिया। अब देखो क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है कि वीक फील्ड लिगेंट है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर तो आप लोग बोलोगे बच्चों, यहाँ पर आप लोग बोलोगे दो लिगेंट है सर, यहाँ पर तो, यहाँ पर कितने लिगेंट है, दो लिगेंट है, आप लोग तो ऐसा बोलोगे। देखो हाँ सही है, ऑब्वियसली दो लिगेंट है, दो में से एक वीक है, Cl आपका वीक है तो En आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर एक भी लिगेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपकी टेंडेंसी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की, किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की टेंडेंसी किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की होगी। बात क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट का काम क्या होगा, पेयर करना। अगर एक दो लिगेंट है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, एक भी स्ट्रॉन्ग है तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो पेयर कराएगा। अब ये आपका पेयर कराएगा, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो पेयर कराएगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ SFL, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, इन प्रेजेंस ऑफ SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट क्या होगा, ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो एक दो तीन चार पांच छ, हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 2d खाली है, यहां पर 4s 4p 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 ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 6 है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4 5 ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब देखो अंदर वाला डी काम में आ रहा है, तो कौन सा वाला है बच्चों, D2SP3 काम में आएगा, D2SP3 काम में आएगा, सारे के सारे ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, D2SP3, इसका भी नाम क्या होगा, D2SP3, इसका भी नाम क्या होगा, D2SP3, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा D2SP3। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका CN और CL आपका लोन पेयर देगा, ठीक है, तो EN तो बाई डेंटेड है, तो यहाँ पर आपका दो लोन पेयर देगा एक साथ, ये EN ने दिया, ये भी, यहाँ पर भी ये EN ने दिया, यहाँ पर भी EN ने दिया, ठीक है, यहाँ पर आपका CL ने दिया, यहाँ पर भी आपका CL ने दिया, तो दो CL थे तो दो CL ने दो लोन पेड़ दिए, एक दो EN ने चार लोन पेड़ दिए, क्योंकि बाइडेंटेड है। अब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे बच्चों, ज्योमेट्री देख लेते कैसे बनाएंगे, काफी इजी है। देखो CO यहां पर EN ने दो लोन पेड़ दिए थे, दो DMG वाला याद कर लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये हो गया, और यहां पर दो CL, ठीक है, ये मैंने बनाया। और भी तरह की अलग अलग हो सकती है ज्योमेट्री, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और सीएल माइनस आपका बाहर होगा। क्या यहाँ पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। आई होप सो कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो D2SP3 है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा बच्चों, आप लोगों को याद आ गया होगा, ये आपका होगा इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा होगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और लाइन मैंने बताई थी, याद आ रही होगी तो आपको, क्या यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे पेयर्ड है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जनरली ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में आपका इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनता है और आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता है, ठीक है। आई होप श्योर कि आपको अब समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब आपको सब टाइप के मैंने करवा दिए, सब टाइप के मैंने करवा दिए, अब आप लोग एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIE है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, VVIE है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहाँ पर
सिक्स। अगला एग्जाम्पल है CuNH3 4 SO4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ो CuNH3 4 2+ और SO4 SO4 2-। ठीक है, ये हो गया बच्चों, आप समझते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा बच्चों, देख लेते हैं। यहाँ पर ये चार है और चार है और कितना है, यूनिडेंटेड है, तो वन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, चार। अब चार के लिए क्या होता है ज्योमेट्री, चार के लिए दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, आप लोगों को पता है। एक आपका होगा स्क्वायर प्लेनर, एक आपका होगा टेट्राहेड्रल। अब देखो स्क्वायर प्लेनर का मतलब आपका कौन सा है, DSP2, और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है आपका, SP3। ठीक है, आई होप श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे उस चीज को समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन आइसोलेटेड स्टेट। तो यहाँ पर आइसोलेटेड स्टेट ऑफ CU, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्गन 3D10 4S1, यही वाला होगा। ठीक है, यही वाला होगा आपका, कौन सा वाला, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले CU का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, निकालो X4, वो NH3 पे चार्ज 0+2, तो X इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, +2। तो CU के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, +2। अब +2 चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मतलब दो इलेक्ट्रॉन मुझको बाहर निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D9 4S0। ठीक है, इजी है, करो। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे। बनाओ ऑर्बिटल, काफ़ी सिंपल है। एक दो तीन चार, ये S0, यहाँ पर P। ठीक है, 4P0। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, 6 7 8 9। अब प्रॉब्लम वाली बात, यहाँ से स्टार्ट। NH3 इज अ वॉट, आप लोगों को पता है NH3 के बारे में, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। ये आपका एक टाइप का क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट इन प्रेजेंस ऑफ Cu+2 एंड CO+3। मतलब ये Cu+2 और CO+3 के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब जब ये आपका Cu+2 था, इसका मतलब ये क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट था। ठीक है, तो ये पेयरिंग कराएगा। अब देखो एक अकेला बचा है, क्या इसकी पेयरिंग पॉसिबल है, नहीं है। तो इस केस में आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट मोस्ट प्रोबेबली क्या कोशिश करेगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की। मतलब स्क्वायर प्लेनर आपका मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की वजह से बनता है। ये हमेशा किसकी वजह से बनता है बच्चों, SFL की वजह से। ये मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा बाद में। ठीक है, SFL की वजह से जनरली आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें ये VVI कंडीशन है, एक्सेप्शन भी मान लो, ये VVI है, इसको एक्सेप्शन भी मान के याद कर लो, कर लेना है। अब देखो ये आपका इधर जाएगा। ठीक है, अब SFL तो नहीं है, तो अनपेयर एक ही है, तो SFL वाला कंडीशन तो नहीं लगेगा, लेकिन ये आपका इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, अब ये वहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, चार, तो चार और ऑर्बिटल खाली है, 3D 4S 4P 4P। अब इंटरमिक्सिंग होगी इनके बीच क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। अब इंटरमिक्सिंग होने के बाद
चार ऑर्बिटल, एक दो तीन, ये चारों ऑर्बिटल बन गए। चारों के चारों का नाम क्या होगा बच्चों? ये अंदर वाला डी काम में आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? DSP2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? DSP2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये भी DSP2 होगा और ये भी आपका DSP2 होगा, ठीक है। ये सबका मैंने नाम लिख दिया। अब देखो DSP2 के अंदर कौन आपका लोन पेयर देगा? NH3। तो यहाँ पर NH3 आपका लोन पेयर देगा, यहाँ पर NH3 आपका ऐसे लोन पेयर देगा, यहाँ पर भी NH3 आपका लोन पेयर देगा, यहाँ पर भी NH3 आपका लोन पेयर देगा और यहाँ पर भी NH3 आपका लोन पेयर देगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर आपका DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अब हम ज्योमेट्री देख लेते हैं, ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो ज्योमेट्री कैसे होगी बच्चों? बीच में CU होगा और इस तरीके से होगा, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? +2 और यहाँ SO4 -2। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा, अगर मैं क्या निकालूंगा बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है तो क्या जाएगा बच्चों? म्यू इक्वल टू N+2 बोर मैग्नेटोन, N की वैल्यू 1 रखो तो यहाँ पर क्या जाएगा? √3 बोर मैग्नेटोन, इसका मतलब 1.74 बोर मैग्नेटोन ये आपका हो जाएगा। अब देखो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंदर वाला डी जब पार्टिसिपेट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब हम लोगों ने जो जो किया है वो चीज़ें अब हम लोग समझ लेंगे एक बार में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको शॉर्ट में एक बार आपको समझाऊंगा, देन आफ्टर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आएंगे कैसे, किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन राउंड में डिस्कस करेंगे। आई होप श्योर कि आपको यहाँ तक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।